एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। आज सुबह से इतने फोन आ गए कि मैं उनको जवाब नहीं दे पा रहा हूं, और जब तक मैं किसी डॉक्यूमेंट की सच्चाई जान नहीं लेता हूं तब तक मुझे खुद को यकीन नहीं होता कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं। ये बात सत्य है कि सुबह से कार्यालय श्री सांवड़िया जी मंदिर मंडल का एक पोस्टर, एक इमेज, एक डॉक्यूमेंट वायरल हो रहा है। नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। साथियों नमस्कार, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। आज सुबह से इतने फोन आ गए कि मैं उनको जवाब नहीं दे पा रहा हूं, और जब तक मैं किसी डॉक्यूमेंट की सच्चाई जान नहीं लेता हूं तब तक मुझे खुद को यकीन नहीं होता कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं। ये बात सत्य है कि सुबह से कार्यालय श्री सांवड़िया जी मंदिर मंडल का एक पोस्टर, एक इमेज, एक डॉक्यूमेंट वायरल हो रहा है। लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि सर, मंदिर ट्रस्ट जो है वो दिव्यांगों को स्कूटी दे रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? जब मुझे खुद को पता नहीं हो तो मैं आपको कैसे बताऊं। मैंने आज शाम को जब उनसे बात की, उनको फोन लगाया, पूरी जानकारी उनसे ली कि इसमें कितनी सच्चाई है। देखो, मैं आपको बता देता हूं, इस वीडियो को राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के दिव्यांग ही देखें। 51 दिव्यांगों को स्कूटी मिल रही है श्री सांवलिया जी मंदिर के द्वारा, और ये मिलेगी कब? जल जूलनी एकादशी पे। वीडियो बहुत छोटा बनाऊंगा, बहुत कम समय में आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो जो सांवलिया जी के क्षेत्र में, मतलब चित्तौड़गढ़ जिले के जो दिव्यांग है और जो ये मंदिर है उसके आसपास के 16 गांव, उसके आसपास के 16 गांव के जो दिव्यांग साथी है उनको यह स्कूटी मिलने वाली है, वो भी फ्री में। मैंने उनसे बात भी की है और बात की ऑडियो क्लिप भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने उनसे बात की है। और आप जो गुमराह हो रहे थे सुबह से, मेरे से पूछ रहे थे कि सर इसमें कितनी सच्चाई है, वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। मैं आपको बता दूं, श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल मंडफिया द्वारा श्री सांवलिया जी जल जूलनी एकादशी मेला 2024 को समापन समारोह दिनांक 15 सितंबर के अवसर पर दिव्यांगों को मोटराइज्ड स्कूटी वितरण करने का निर्णय लिया है। मतलब जल जूलनी एकादशी है 15 सितंबर को, आज से ठीक 12-13 दिन बाद, तो यह आप ध्यान रख लेना, 15 तारीख को आपको स्कूटी मिलने वाली है। इस वितरण व्यवस्था में मंदिर मंडल के अधिसूचित, मंदिर मंडल के अंडर में, मतलब मंदिर का जो जहां क्षेत्र है, जहां ये मंदिर है, उसके 16 गांव को प्राथमिकता दी जाएगी। तो दूसरे जिले के, मतलब राज्य नहीं, मैं तो राजस्थान के दूसरे जिलों के, मतलब जयपुर वाला ये सोचे कि मुझे मिल जाएगी तो बिल्कुल परेशान नहीं हो, आपको नहीं मिलने वाली है। गाइडलाइन के अनुसार वितरण किया जाएगा। अब ये आप आवेदन कैसे करेंगे, ये भी आप ध्यान से सुन लो मेरी बात। इच्छुक आवेदन दिनांक 3 सितंबर से, 3 सितंबर मंगलवार से 9 सितंबर सोमवार तक मंदिर मंडल के कार्यालय से आवेदन, मतलब जहां सांवलिया जी का मंदिर है वहां के कार्यालय से आपको फॉर्म मिलेगा, उसको भर के दिनांक 10 तारीख तक 5 बजे तक आपको जमा करवाना है। उसके बाद वहां की कमेटी ये डिसाइड करेगी कि किन दिव्यांगों को ये स्कूटी मिलेगी। मैं आपको बता दूं, मैंने उनसे बात की है, 51 दिव्यांगों को ये स्कूटी मिलेगी, केवल चित्तौड़गढ़ के दिव्यांगों के लिए ये वीडियो है। मेरे दूसरे दिव्यांग भाई इस वीडियो को लेकर के परेशान नहीं हो, और ये खबर पूरी तरह सत्य है। इस खबर की सत्यता मैंने जानने की कोशिश की है, मेरे रिपोर्टर ने भी बात की है, और मैंने स्वयं भी मंदिर कमेटी के जो सदस्य है उनसे बात की है, और आपके सामने सच्चाई रखने का पूरा प्रयास किया है। सच्चाई मैंने आपको पूरी बता दी है। सच्चाई यह है कि आप इसमें आराम से आवेदन कर सकते हैं, केवल चित्तौड़गढ़ के दिव्यांग, चित्तौड़गढ़ के दिव्यांगों के अलावा और कोई आवेदन नहीं करें, उनको मंदिर की तरफ से 51 स्कूटी दी जाएगी। अगर आपको ठीक लगता है तो इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि चित्तौड़गढ़ के दिव्यांग साथियों तक हमारी बात पहुंच जाए, उनको इस योजना का लाभ मिले और 51 दिव्यांगों का भला हो जाए। जय सांवरिया सेठ की। कौन बोल रहे भाई साहब? नमस्कार। हाँ नमस्ते, मैं मीडिया से बात कर रहा हूँ जयपुर से। हाँ बताएं।
ये मेरे पास आपका एक ऑफिशियली लेटर आया था, तो थोड़ा इसको कंफर्म करना था। दो मिनट आपसे बात करूंगा बस। क्या ये क्या है? कई डिसेबल्ड के लिए, ये जो विकलांगों के लिए आप दे रहे हो, उनका मेरे पास फोन आ रहे हैं। मैं क्या है, विकलांगों के लिए अखबार चलाता हूँ और अपना चैनल है दिव्यांग जगत के नाम से। विकलांगों के लिए मंदिर मंडल द्वारा मंदिर प्रेमिसेज में 5 किलोमीटर रेडियस में 16 गांव लगते हैं। जी जी, 16 गांव में हम जो भी विकलांग होंगे उनको ट्राईसाइकिल, वो जो है बाइक वगैरह देंगे। स्कूटी है सर या ट्राईसाइकिल? स्कूटी। जी जी। और उसके बाद पहले ट्राईसाइकिल देते थे और स्कूटी चालू कर दी। जी सर। तो 16 गांव में देने के बाद जो शेष रहते हैं उनको हमारे तहसील और चित्तौड़गढ़ जिले के लिए रखा है, उनको देंगे। ये जो चित्तौड़गढ़ जिले के आपके मंदिर के क्षेत्र में 16 गांव आते हैं उनको आप देंगे? प्राथमिकता उनको रहेगी। जी सर। शेष जिले में जो रहेंगे उनको देंगे। सर लगभग बता सकते हैं कितनी स्कूटी, मतलब एक मोटा मोटा अंदाज़ करते हैं हर बार? 51 करते हैं। 51। अच्छा ठीक है सर। ये डिसेबल्ड मतलब विकलांग का सर्टिफिकेट वगैरह यही डॉक्यूमेंट सही है ना आपको? दिव्यांग? हाँ भाई, वो क्या है, मैं न्यूज में दूंगा तो थोड़ा लोगों को कष्ट नहीं हो, आसानी से आपके यहाँ पहुँच जाए। और तो क्या है? मतलब चित्तौड़ जिले से बाहर वाले परेशान नहीं हो? नहीं नहीं, वो तो मैं बिल्कुल, वो तो मैं वीडियो बनाऊंगा आपको। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है? हाँ, इस पे मैं भेज दूंगा भाई। दूसरे जो लोग, क्योंकि देखो राजस्थान में ये पूरी तरह से वायरल हो गया लेटर, वायरल हो गया, तो सभी लोग नहीं आकर जो चित्तौड़ जिले के हैं और हमारे मंदिर प्रेमिसेस के हैं 16 गांव के, वो लोग ही इसमें एंटर डलाऊंगे। बिल्कुल, मैं समझ गया सर। ठीक है सर। ठीक है, धन्यवाद सर। अब तक की खबरों के लिए बस इतना ही। आगे हमारी खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।